धमतरी जिले के मगरलोड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धान खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए धरना प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल मगरलोड के तत्वाधान में मुख्य चौक में राज्य सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदेश के भूपेश सरकार के खिलाफ निशाना साधा। भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय यदु ने कहा कि कांग्रेस सरकार 15 नवंबर से ही धान खरीदी करे। धान को पिछले 15 वर्षों से पिछले सरकार 15 नवंबर से खरीदते आ रही थी। जब फसल जल्दी तैयार हुई है तो खरीदी 15 नवंबर से होनी थी, लेकिन वर्तमान समय में सरकार अब धान खरीदी 1 दिसंबर से करने जा रही है। समर्थन मूल्य में किसानों से कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा है कि हम सरकार में आने के बाद किसानों का धान क्विंटल 2500 रुपए देंगे और धान का एक एक दाना खरीदने की बात उनके राज्य और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर कहा था, लेकिन अब सरकार बनने के बाद प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय यदु, निरुपा दाऊ, हिरजैन साहू, रामायण सिन्हा, नरेश अग्रवाल, नरेश सिन्हा, शत्रुघ्न साहू, मिलन नेताम, डोमर ध्रुव, सुरेश मरकाम सहित भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन किए। धरना प्रदर्शन का विषय है किसानों का समर्थन मूल्य में 2500 रुपये में धान खरीदे और 15 नवंबर से धान खरीदे। यही हम लोगों का महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से तहसीलदार को ज्ञापन सौंपे। हम आगामी के लिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दिशा निर्देश मिलेगा, उस आह्वान पर जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम होने जाना है, तो आगामी उग्र आंदोलन होगा अगर हमारी मांगों को सहजता से स्वीकार नहीं करती है। धमतरी से योगेंद्र साहू की रिपोर्ट, ACN 24।